कर दी गई। सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्र में सब घूम रहे हैं और मैं भी अपने क्षेत्र में घूम रहा था और सब बिना पास के 10-10 गाड़ी लेके घूम रहे हैं। हम दो गाड़ी लेके घूम रहे हैं और हमारी गाड़ी सीज कर दी। क्या आपकी गाड़ी में कुछ ऐसा मिला जो आचार संहिता? चुनाव सामग्री नहीं, आप वीडियो बना दीजिए, कोई चुनाव फिर आखिर प्रसाद कुछ बरामद हुआ, अगर बरामद हो तो दिखा दें कि ये मिला नहीं। आखिर क्या कहा उन्होंने, आखिर गाड़ी क्यों सीज कर दी? बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी का पास नहीं है और सभी लोग घूम रहे हैं, हम ही दूसरी रोका जा रहा है। अच्छा, अन्याय हो रहा है और क्या, बस आएगी सरकार सबको समझ में आ जाएगा कि भाई दोनों प्रत्याशी घबरा रहे हैं। हाँ, सब प्रत्याशी घबराए हुए हैं, ठीक है, लोग हमारे साथ हैं, लोग हमारे साथ हैं, कोई बात नहीं। ये कितना प्रशासन रोकेगा हमको, रोक ले। क्या प्रशासन की तानाशाही है? क्या तानाशाही? बिल्कुल है, हमारे साथ आम जनमानस है, सबको जलन हो रही है। किसने सीज किया आपकी गाड़ी को? कोई गश्त अधिकारी रहा होगा? नहीं, SDM साहिब भी किए और जो यहाँ के आरओ हैं और इंस्पेक्टर हैं सब लोग। कोई बात नहीं, समय आएगा सबका। घबराने वाले नहीं, इस तरह से जो है हम लोग घबराने वाले नहीं, हम लोग आम जनता में वोट मांगने का काम निरंतर करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, गाँव गाँव जाते रहेंगे। हमारी गाड़ी सीज कर दी जाएगी, कोई बात नहीं, हम पैदल चलना शुरू कर देंगे। ठीक।